الله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين البيضتين والبيت الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقط قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام خصوا برب الكعبة صلوات الله عليه وسلم जो औलाद है मौला तौफीक बख्श रब का कबूल मंजूर फरमाए। बानी अहमद जी की मौला तेरी मकासिद पूरी फरमाए। जो अपने दिल में जाए सही हाजा करते हैं आलम अहमद की सदकी से मालिक शक्ति हाजा पूरी फरमाए। मेरे भाई के सहन साहब की मौला तौफीकात इजाफा फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला उनकी औलाद जरीना ना फरमाए। जो तंग दस्त हैं मौला उनकी तंग दस्ती दूर फरमाए। लाखों दुआओं की दुआ मिलकर मांगने के लिए पाने वाले कल जहां सिलसिले कलाम को रोका था वही से बात बढ़ाना चाहता हूं कि अमीर कायनात की सारी जिंदगी तौहीद मनवाने में गुजरती। यानी मैंने रात ही उल्लास किया था कि अली अलैहिस्सलाम के पास तौहीद मनवाने के लिए सजदे से गिरता कोई और शेख अली जी सजदे में जली और अली की पहचान सारा बादशाह मजमा शशी फरमा मुन्नू भाई। यानी जली में और अली में जो फर्क है वो एक सजदे का मैं चूंकि आया जल्दी के लिए था लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपने भाई कायम से यही बात कर रहा था कि पंजाब की मसूर की बात इतनी ज्यादा होती है। मैं चाहता हूँ मेरी दो रोजा जो मेरे मजालिस है मैं इसमें आपको कम से कम 5-6 महीने सुबह आप ये देखिए कि अली के पास और कोई तरीका नहीं था तौहीद मनवाने का। क्यों कि आपके सामने नुसैल ने अली को अल्लाह कहा। अभी आपने आईने की बात में बात वहीं से शुरू कर रहा हूँ यानी एनुल्ला अली बजुल्ला अली निशानुल्ला अली सब जानते हैं। बस मैं एक ही लम्हे के अंदर जनाब सलमान का एक पूछा हुआ अली से सवाल और अली का दिया हुआ जवाब बताकर मुझे फैसला करना है कि आज आप लोग कितनी देर तक बैठ सकते हैं। उसका जवाब ये नहीं देना पड़ेगा कि सलमान में तुम्हें एलर्जी में दूंगा। आज मुझे मिंबर का जवाब देना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा आज अकीदे का कोई फर्क ना रखना यही आज ईमान के तमाम दर्जों को एक लम्हे के लिए भूल जा। तूने जो कहा है सलमान सवाल कर तो सवाल करने वाला कोई भी सवाल कर सकता है। सलमान भाई ये तो जाहिल थे जो ये सवाल करते रहे मेरे सर के बाल कितने हैं। सर के बालों वाले सवाल करने वाले हमेशा सारी जिंदगी अपना सर को जाते रहे और वो जानते थे कि अली के सर में क्या है। तो जनाब सलमान ने कहा अगर आज मैं तुझसे कोई सवाल करूं तो तू मुझे जवाब देगा। अली ने फरमाया आज मैं भी मौज में बैठा हूं, पूछ क्या पूछना चाहता है, सवाल कर क्या करना चाहता है। अंजोली वाले जानते हो क्या जुमला था लफ से अगर का फर्क रखना। जैसा कुरान कहता ना कि अगर दो अल्लाह होते
तो फिर फसाद हो जाता, अगर होते ना, होते ना फसाद होता। कि मैं हर एक पर हुज्जत करने के लिए मैंने ये बात पहले बोल कर दी कि लफ्ज अगर जो है वो फर्क डालता है, अगर दो अल्लाह होते तो फसाद हो जाता, ना दो अल्लाह होते ना फसाद होता। अब सलमान का जुमला समझना, हाथ जोड़ देगा, यही पता अगर अल्लाह बदन रखता होता। मैंने आपको कल भी बताया कि कल जब ये लाहौर में मेरे साथ थे तो मैंने कहा इस आवाज के इस्तेमाल ही से को अब दूसरों की आवाजों को बंद करना है। आपने बताना है कि अली की मिला क्या है, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, और जितने भी मदाए अहले बैत हैं वो मेरे भाई मोहतरम सैयद फरहान अली साहब, वो भाई नकी। देखिए ये दौर आप बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अभी आपने सुना ना कि बस आने वाला है तलवार लेकर, ठीक है ना, ये छाननी का होता है। इस समय में ना आपने परेशानी होना, ये ऐसा आप सुबह शाम जब मौला का जोर करीब हो रहा है ना, अब ये सुबह शाम ऐसा होगा कि आपका साथ बैठने वाले का आपको पता नहीं होगा। का मालिक है, ये क्या कहता है, आपको इल्म नहीं होगा। ये छाननी है। अमीर कायनात ने फरमाया था कि जब मेरे कायम का जोर करीब होगा तो तुम्हें इंतजार की छाननी में छाना जाएगा। सलमान का मौला छनकर क्या होगा, कहा आखिरी वक्त में वो जो शुरू से पत्थर और जवाहरात इकट्ठे चल रहे हैं, जहूरे कायम से पहले पत्थर अलग होंगे जवाहरात। इनके साथ नोहा पढ़ाते हुए आगे तक जाइए, फिर पता चलेगा कि दुश्मन की बोलती कहां तक चलती है और अली वाले की सजा कहां तक जाती है।